हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत ही खुश होंगे गाइस। यस, शादी वाला दिन बहुत ही करीब है। कल हल्दी है और आज जो है हम लोग प्रिपेरेशन कर रहे हैं जाने की। वी वर हैविंग सो मेनी थिंग्स पेंडिंग, तो हम लोग जल्दी जा नहीं पाए, बट हम लोग अभी कल फाइनली जाने वाले हैं हल्दी में। तो आज थोड़ा अपना रूप रंग थोड़ा चेंज करने वाले हैं शादी के लिए। लेट्स सी, सैलून जाने वाले हो और देखते हैं कि क्या होता है सैलून में। यूजुअली मेरे बाल जो है प्योर ब्लैक है, कोई भी कभी मैंने कलर किया नहीं है बालों पे, बट मैं सोच रही हूँ कि बालों पे कोई कलर करूँ ताकि देख सकूँ कि कैसा लगेगा बाल। लेट्स सी क्या होता है। मैं बहुत टाइम से बाल कलर करने का सोच रही थी और आज मैंने अपॉइंटमेंट भी लिया है बाल कलर करने का, बट मैं बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ कि मैं कौन सा कलर करूँगी, कौन सा हाईलाइट करवाने वाली हूँ या कौन सा ग्लोबल करवाने वाली हूँ। मैं अभी गई थी नीचे लेकिन मैं रिटर्न आ गई डर के मारे, मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूँगी वहाँ पे। तो अभी मैं इन लोग के साथ जाऊँगी, मम्मी और बहन के साथ जाऊँगी और देखूँगी कि कौन सा। बोल रही है मत करो बच्चा, केमिकल वाला मत लगाओ, बाल इतने सुंदर है। लच्छू बोल रही करा ले, मम्मी बोल रही मत कराओ, अभी समझ नहीं आ रहा है मेरे। कभी अच्छे बाल है, सुंदर बाल है, वैसे भी ब्यूटीफुल दिखती है, और उसमें क्या हो बाल को ब्लीच करके खराब करने का। जल्दी से पहले होते बाल पता है, मैंने कभी नहीं कराया ना, मुझे डर लग रहा है क्या मैंने कभी कराया नहीं है तो, पर क्या करूँ यार, मन भी कर रहा है नहीं भी कर रहा है, समझ नहीं आ रहा है। यस गाइस, तो मैं सैलून आ चुकी हूँ अपने हेयर कलर के लिए, न्यू ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अपने। अब मैं पहली बार हेयर कलर करवा रही हूँ, इसके पहले मैंने कभी नहीं करवाया था और मुझे कुछ इतना नॉलेज भी नहीं है, तो मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे ऊपर कलर कैसा लगेगा, ग्लोबल प्लस हाईलाइट। अभी तो मैंने ज़्यादा ब्लॉन्ड वाला लिया नहीं है क्योंकि मुझे एकदम से ऐसा डरावना नहीं दिखना है। पहले मैं थोड़ा लाइट कलर ही चाहती हूँ ताकि मेरे को एक्सेप्ट कर सकूँ, मैं अडेप्ट कर सकूँ अपने बालों को। हमेशा से ही मेरे बाल काले रहे और मुझ पर काले बाल बहुत सुंदर दिखते हैं, बट पता नहीं ऐसे ही मुझे ऐसा दिल किया कि कलर कर देते। मैंने बहुत टाइम से, मतलब दीपाली के जो शादी है उसके पहले से ही मैंने सोच के रखा था मैं बाल कलर करूँगी, और उनकी शादी अभी आ भी गई है तो अब मैं कलर करने वाली हूँ। तो देखो मैं अभी इसके बाद जो है पूरी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा मेरा और पूरी चेंज हो जाएगी पूरी की पूरी में गाइस। तो गाइस कलर लगने के बाद जो है 3 घंटे रुकने वाले थे हम लोग, तो इसके बाद जो है कलर हो जाने के बाद 3 घंटा वेट करना पड़ा। मेरे बाल कलर हो चुके हैं और मुझे बहुत भूख लग रही थी, देर से मैं बैठी, तो मैं यहाँ पे कुछ खाने के लिए आई हूँ। मेरा बेस्ट प्लेस फॉर मोमोज यहीं पे है, मैं यहाँ पे खाने के लिए आपको दिखाती हूँ। मैं शीतल भी आई है मेरे साथ और ये है मोमो, मेरा फेवरेट मोमो है क्या, बहुत गर्म था मैंने रख दिया नीचे उसको।
गाइस तो हम जो है स्टेशन आ चुके हैं, हम लोग जा रहे हैं मलाड थोड़े ज्वेलरी खरीदने के लिए, क्योंकि लहंगा तो हो गया बट ज्वेलरी हमारे पास नहीं है, तो इसलिए ज्वेलरी खरीदने जा रहे हैं। मम्मी आपको कुछ बोल रहे हो? मैं उनके साथ घूमने जा रहे हैं मलाड, मलाड चल रहे सब लोग टिकट बुक कर रहे हैं भाई। मलाड जाके देखते हैं ज्वेलरी मिलती कि नहीं, क्योंकि मीरा रोड में तो इतना कुछ मिला नहीं, तो हम लोगों को एक्सपेक्टेशन है कि लहंगा जो है मलाड में मिला तो शायद ज्वेलरी भी मलाड में ही मिले, तो देखते हैं क्या होता है। यस गाइस तो चलो चलते हैं फिर फटाफट मलाड पहुंचते हैं, फिर बहुत सारा मार्केट घूमना भी है, देखना भी है, देखते हैं। पतली सी छोटी सी माथा पट्टी थी, माथा पट्टी नहीं बिंदिया, बिंदिया चाहिए मुझे एकदम पतली सी, मस्त लगेगी बिंदिया। ये वाला नहीं अच्छा वैसा ज्वेलरी मिल चुकी है, और मुझे ही क्या, हम सबको ज्वेलरी मिल चुकी है, शीतल और स्नेहल सबको ज्वेलरी मिल चुकी है, हमको इन्होंने ज्वेलरी दिया बहुत अच्छे रेट में दिया, बहुत अच्छे रेट में दिया, बहुत कम रेट में दिया, अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस में दिया, और ये भैया ने हमको बहुत अच्छी सर्विस दी, बहुत देर तक हमारे साथ ही खड़े थे और ट्राई करवा रहे थे ज्वेलरी, बहुत अच्छे है ये भैया दोनों के दोनों। हम आए हैं अंबिका ज्वेलर्स के यहाँ पे, गोल्ड सिल्वर एंड रियल डायमंड ऑर्नामेंट्स, ये शंकर गली के यहाँ पे नटराज मार्केट, शंकर गली के यहाँ पे नटराज मार्केट में जरूर आइएगा अंबिका ज्वेलर्स के पास, ये भैया के पास। भैया आपका नाम? सुरेश प्रजापति। सुरेश प्रजापति, सुरेश प्रजापति के पास जरूर आइएगा, बहुत अच्छे। यस गाइस इतना घूमने के बाद, इतनी शॉपिंग करने के बाद हम अपने फाइनली जो है मीरा रोड जा रहे हैं, और इसके बाद हम घर जाके सो गए। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसी तरह से कनेक्टेड रहिए, आगे शादी के वीडियोज़ आने वाले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।